लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा? आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। सनातन कहा जाता है कि सनातन आज से नहीं हजारों साल पहले से चला रहा है, लेकिन सनातन को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां या ये कहें कि सियासी दल, इस पर राजनीति लगातार होती रही है। अभी कुछ दिन पहले ही उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया और इसके बाद बवाल खड़ा हो गया। हालांकि इस पर कांग्रेस पूरी तरह से चुप है, किनारा करती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे मामले को लेकर सियासी दल चुप क्यों है? क्योंकि बात सनातन धर्म की हो रही है, लेकिन एक शख्स है जो इस पूरे मामले पर चुप नहीं रहे। हालांकि बिना बोले उन्होंने टारगेट किया, लेकिन किया। चलिए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से उदयनिधि स्टालिन को बयान दिया है और पूरी तरीके से जमकर लताड़ा है। ऐसे सत्य है, शाश्वत है, ऐसे सनातन धर्म भी सत्य है, शाश्वत है। हमें सत्य और शाश्वतता को सदैव अंगीकार करके सकारात्मक भाव के ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। और ये पुलिस के लिए तो खासतौर पर भगवान कृष्ण की ये दोनों प्रेरणाएं कि कर्मणे वाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचना, यानी कर्म करते रहो। तो सनातन धर्म को लेकर जो बवाल बचा हुआ है, इस पे आरोप प्रत्यारोप तो लगातार जारी है। ऐसे में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सनातन को आप कितना जानते हैं और क्या सनातन धर्म को यू बार बार टारगेट करना सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।